लोग दिल्ली में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मैडम मैं देखना चाहता हूँ बीजेपी का, अब बीजेपी सरकार कन्फर्म आएगी। केजरीवाल ने खुद अपने मुंह से बोल दिया है जनता के सामने, मीडिया के सामने, कि मैं अगर जीत गया दिल्ली में तो सिर्फ मुस्लिम को साथ दूंगा, हिंदू का साथ नहीं दूंगा। इसलिए केजरीवाल नहीं जीतेगा। ये जो फ्री फ्री दे रहे हैं इससे आप खुश हैं कि नहीं? नहीं हमें कुछ नहीं, हमें बहुत दुख है इससे फ्री से। हम अपने बल पे जिएंगे, अपने बल पे खाएंगे, अपने कमाई से हम अपने घर बनाएंगे। अच्छा। उनके बल पे नहीं बनाएंगे। अगर बीजेपी सरकार आती है तो सबसे पहले क्या काम करना चाहिए उन्हें दिल्ली के लिए? उन्हें दिल्ली के लिए करना चाहिए पटरी लगवाना चाहिए, मार्केट का पटरी लगे, और फिर जो रोड पे घर में रोड पे रास्ता पे चलो गड्ढी गुड्ढा है उसको गड्ढी गुड्ढा के बराबर रास्ता बनवाना चाहिए। और बच्चों को स्कूल में बैटरी स्कूटी फ्री दे रहे हैं, ये भी सही है। और 5 लाख की दवा मुक्त करें, ये भी सही है। जो बीजेपी ने किया, जो भी सच सही किया, कोई गलत नहीं किया, बल्कि केजरीवाल ने सब कुछ गलत किया कर गया। सर आप क्या चाहते हैं इस बार दिल्ली में किसकी सरकार है? केजरीवाल ही की आनी चाहिए। क्यों, क्या काम किया उन्होंने? आप जो भी काम किए सही किए हैं उन्होंने, तो कौन से काम किए हैं? मैडम इतनी मैं नहीं जानता, दूसरे से पूछेगी भाई। जब पता सर, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की। क्यों, क्या काम किए हैं? बीजेपी हिंदू जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, उससे बढ़ के पार्टी कोई नहीं बन सकती। जब तक मोदी रहेगा तब तक देश का भविष्य बनता रहेगा। लेकिन कुछ लोग फ्री के चक्कर में अरविंद केजरीवाल जी को बहुत, मेरे को फ्री नहीं चाहिए, मेरे को देश का भविष्य बनाना है। आप अगर अपने बल पे जीना चाहते हो कि दूसरे के बल पे, आप ये बताएं। आपसे सवाल लिया हो, अपने बल पे जियोगे कि किसी दूसरे के बल पे? अपने बल पे जीते हैं। तब केजरीवाल के बल पे क्यों कह रहे हो कि आप मुझे केजरीवाल का फ्री चाहिए? अपने बल पे पानी आ रहा, चाहे 2,000 आ, चाहे 3,000, चाहे 10,000 आ, चाहे 20,000 आए, हम चाहे जहाँ से कमा के ला के पानी भरेंगे, जितना पैसा होता हमसे लिए, हमें फ्री नहीं चाहिए। 5 साल। सर इस बार आप दिल्ली में किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे? वैसे तो बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। आनी चाहिए क्यों? क्योंकि देखिए बिजली फ्री और पानी फ्री से कभी कोई नहीं चलता है, कोई स्टेट नहीं चलता है। ये तो वैसे भी आधा केंद्र का अधीन में आता है। ये केजरीवाल फ्री कर दिया है उन्होंने, क्या इसका हुआ? देखिए जो क्या है, जिसको फ्री का लत लग जाता है। अब जैसे काफी लोग आप देखते पॉकेट काट के जी रहा है, कुछ लोग छीन के जी रहा है, उनके लिए तो सही है। वैसे आप ये बताओ कि आपके घर में कितना बिजली फ्री आता है? आता है? आपके कोई तो होंगे साथ में जो रहते हैं, वो तो होंगे, कुछ ना आप तो रहने वाले होंगे यहाँ। मेरे हिसाब से तो बेकार है। आप बिजली का बिल का भी सर्वे करोगे ना तो 40% ही ऐसा है जिसका जीरो आता है। वैसे हम लोग का भी कई फ्लैट है जो खाली पड़ा है, 100 रुपये का बिल आता है। खाली फ्लैट में क्या चीज हम चला रहे हैं? सर 5-4.5 साल में तो उन्होंने काम नहीं किया, एलजी ने मना कर दिया, मोदी जी ने मना कर दिया, लेकिन ये 3 महीने में उन्होंने सब कुछ फ्री कर दिया। बताओ आप मेरे को, ये अगले 5 साल में फिर क्या गारंटी है कि इसको बीजेपी वाले मना नहीं करेंगे? जब 4.5 साल पहले इनको ब्रेक लगा रखा था काम के लिए एलजी ने, तो फिर 5 साल ब्रेक लगाएगा? तो आप ये दो चीज में एक चीज मेरे को जवाब देंगे कि ये 4.5 साल अगर बीजेपी ने आपको काम नहीं करने दिया केंद्र सरकार ने, तो अगले 5 साल आपको केंद्र सरकार कैसे काम करने देगा? तो आप फिर वही रुलाओगे जनता को? पानी फ्री कर दिया, गंदे पानी आ रहे हैं, तो गंदे पानी पी के तो क्या फ्री में? ऐसे तो सारे चले जाओ, नाले में पानी बह रहा है, खराब होगी, नाले में पानी बह रहा है, गटर के पानी दे रहे हैं, पानी फ्री क्या मतलब? दे साफ पानी, दे सफा पानी। मोदी सरकार आती है दिल्ली में तो सबसे पहले सरकार को क्या काम पे ध्यान देना चाहिए? देखिए सरकार को तो देखिए यहाँ पे जो सीलिंग विलिंग है, जो बिजनेस है, इन पे ध्यान देंगे सरकार, गवर्नमेंट रोड सड़क जो है फ्री मेरे हिसाब से बेकार है। अब एक बात बताओ, दिल्ली जल बोर्ड घाटे में, डीटीसी घाटे में, बिजली कंपनी घाटे में, कोई 800 करोड़ कोई 1200 करोड़, वो 5 साल बाद क्या घाटा खत्म हो जाए? घाटा बढ़ेगा ना, जो 800 करोड़ है वो 8000 करोड़ चला जाएगा, 12000 करोड़ साला 1200 करोड़ 12000 करोड़ में जाएगा। तब जो इसके बाद जो सरकार आएगा वो बोझ किस पे पड़ना है? दिल्ली पे ही तो बोझ पड़ना है ना। तो ये चीज बेकार है, इससे दिल्ली डूबेगा, उभरेगा नहीं, उभरने वाला नहीं है। फ्री में ऐसा होता तो हर स्टेट फ्री कर देता, बॉम्बे इससे ज्यादा रेवेन्यू देता है, बॉम्बे क्यों नहीं फ्री कर पा रहा है? अच्छा अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली को लंदन बना देंगे, क्या आप देख रहे हैं लंदन? केजरीवाल को आप स्टेटमेंट उठा के देख लो, वो खुद ही कही अभी तो बोला था ना उन्होंने बस के साथ मेट्रो फ्री है, मेट्रो क्यों नहीं फ्री किया उसने? करना चाहिए ना, काफी चीजें बोली थी उन्होंने। तो ये भी एक बार ये स्टेटमेंट दिया था कि हम रेडी पट्टी वालों को लाइसेंस देंगे, तो क्यों नहीं दिया? इलेक्शन आगे देना चाहिए ना, उनको तो फायदा होता। सर इस बार दिल्ली में किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे? भाजपा। जो अभी अरविंद केजरीवाल जी ने फ्री का ये दिया है, क्या खुश नहीं है आप उससे? खुश क्यों नहीं है, खुश है, मगर फिर भी
भाजपा की सरकार होनी चाहिए। अभी अगर मोदी जी की सरकार आती है तो सबसे पहले किस काम पर ध्यान देना चाहिए? काम तो वो सोचेंगे, हम थोड़ी बताएंगे कि किस काम पर ध्यान देनी चाहिए। वो तो वो जो करना चाहे वो तो खुद करेंगे, मगर भाजपा की ही सरकार होनी चाहिए। ठीक है जी, दिल्ली में किसकी सरकार देखना पसंद? भाजपा बीजेपी, मोदी हर तरह से जिंदाबाद, आगे कुछ नहीं बोलेंगे। अभी जो शाहीन बाग में गोली चली थी वो आम आदमी पार्टी के ही थे, क्या किस तरीके से देख रहे हैं आप इस चीज़? 8 तारीख के बाद सारे अपने आप उठ उठ के अपने अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि उनकी जो सट्टा बजा रही है वो खत्म हो जाएगा। हम देश के साथ है ना कि फ्री के साथ है? फ्री तो हम खुद सक्षम है, हम खुद सक्षम है, कमा सकते हैं, कर सकते हैं, फ्री करके फ्री की लॉलीपॉप देखिए जनता को ठगा जा रहा है, ये नहीं सही है। जितनी महिलाएं हैं फ्री के चक्कर में, अरे 10 रुपए का टिकट देके आप पूरे दिल्ली की तहस नहस कर दो, वो बढ़िया नहीं है। जो ये बसों में आग लगाई जा रही है, देश फूका जा रहा है, ये क्या फ्री करके हम ये कराएंगे अपने दिल्ली में? हम ये कराएंगे? ये बिल्कुल नहीं, इसके सहमत बिल्कुल नहीं है। मुझे हम अपने आप में सक्षम है, हम खुद कर सकते हैं, हमें फ्री नहीं चाहिए, लेकिन हम अपने राष्ट्र सर्वोपरि है हमारे लिए, हम अपने राष्ट्र के साथ हैं, और राष्ट्र से जो गद्दारी करेगा वो बिल्कुल यहाँ हम उसके बिल्कुल सहमत नहीं है, उसके साथ नहीं है। अगर कोई भी सरकार आती है सर, तो सबसे पहले दिल्ली में उन्हें क्या काम पे ध्यान देना चाहिए? दिल्ली पे हमारी सरकार रोजगार पे ध्यान दे, युवा को नई सोच पैदा करे उसके अंदर, ना कि ये दंगे पैदा करे। जो ये दंगे करा रहे हैं केजरीवाल सरकार, इस पे रोक लगाए नई सरकार, और युवाओं का साथ दे, उनका प्रोत्साहन बढ़ाए, उन्हें तरक्की के रास्ते पे ले, ना कि देश के लिए भड़काए। मैं यही कहूंगा, राहुल गांधी ने कहा है कि 6-7 महीने के बाद देश का युवा मोदी जी को डंडे से पीटेगा। ये क्या, मैं उस पप्पू की क्या कहूँ आपसे, उसके लिए तो कुछ बोलना भी हमारे लिए बेकार है। मैं देश के साथ हूँ, मोदी सर्वप्रिय है, मोदी को तो मैं खड़ा होऊंगा, मोदी के लिए कुछ बोले तो मैं आगे खड़ा होगा, पहले मुझे डंडा मारे। देश का युवा मोदी के साथ है, ना कि केजरीवाल या पप्पू के साथ है। देश का युवा मोदी के साथ है, ना कि केजरीवाल या पप्पू के साथ है। मैं यही कहूंगा कि देश का युवा हमारे लिए सर्वोपरि है, और देश का आगे को बढ़ाएगा। केजरीवाल ही नहीं बढ़ाएंगे, ये तो दंगे कराएंगे ना, देख रहे हैं आप दिल्ली में, देख रहे हैं आप। जो अभी शाहीन बाग में 50 दिन से महिलाएं बैठी हुई है, 50 दिन से उनके साथ खड़े हैं अरविंद केजरीवाल जी, क्या वो वोट बैंक की राजनीति की? यहाँ पर देखिए, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, उनको बेचारी को मासूमों को भड़काया जा रहा है देश के खिलाफ, मतलब उनको डराया जा रहा है, उनको डराया धमका के उनसे ये कराया जा रहा है। वो इस चीज में नहीं है, लेकिन उनके अंदर इतना अंधविश्वास पैदा कर दिया है देश के खिलाफ, इसीलिए वो बैठे हुए वहाँ पे। अगर उनको कोई सही से समझाने जाए, यही केजरीवाल अगर समझाने जाए तो वो उठ जाए, लेकिन वो चाहते हैं कि वो ना उठे यहाँ से, हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं यहाँ, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, लेकिन ये जो करा रहे हैं यही सब बुरे हैं, ये गलत है, ये गलत है। हमारी मोदी सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है, सबको एक साथ लेके चल रही है। बताइए आपकी मोदी सरकार में आज तक कोई दंगा हुआ है? मोदी सरकार में आज तक कोई दंगा हुआ है? आतंकवाद पे इतनी रोक लगाई है जो वो मोदी के राज में लगी है ना, आज तक तो आतंकवाद वहाँ पे सर काट के ले जा रहे हमारे सेना का, और मनमोहन सिंह चुपचाप बैठे हैं। आज योगी ने उस पर कार्रवाई की है, तो योगी गद्दार हो गए देश के, आतंकवादी वो देशद्रोही कह रहे हैं केजरीवाल, ये गलत है। हम लोग केजरीवाल के साथ बिल्कुल नहीं है, पब्लिक से पूछ लीजिए, आम जनता से पूछिए आप। योगी जी का कहना है कि कमल का बटन यहाँ दबेगा और दर्द शाहीन बाग में होगा, ये उन्होंने कहने का तात्पर्य अलग है, इसको अलग ढंग से लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो हमारे विरोध कर रहे हैं उनको एहसास होना चाहिए कि देखिए आप ये क्या दिल्ली की पब्लिक ये चुनेगी 8 तारीख को, ये दिल्ली की पब्लिक चुनेगी कौन किसके साथ है, किसको बटन दबने से दर्द होगा किसको, ये तो खुद पता चलेगा। सर, आप इस बार दिल्ली में किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे? केजरीवाल की। क्यों? उसने अच्छा काम किया है यहाँ पे। क्या काम किया है? बहुत अच्छा काम किया है, कोई करप्ट नहीं है वो। अच्छा, आप बताओ ना कौन कौन से काम किए हैं। अरे मैं कश्मीर का हूँ, उसने अच्छा काम किया है, वो कुछ रिश्वत नहीं लेता है, किसी को रिश्वत खाने नहीं देगा वो। अच्छा। सर, आप इस बार दिल्ली में किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे? हम मोदी की सरकार पसंद करते हैं जी। अगर मोदी सरकार आती है तो सबसे पहले किस मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए उन्हें? सबसे पहले ये जो शाहीन बाग का जो सिस्टम है ये ठीक होना चाहिए। हाँ जी, 50 दिन से महिलाएं बैठी हुई है वहाँ पर, आम जनता को बहुत दिक्कत हो रही है, उन्हीं के साथ खड़े अरविंद केजरीवाल जी। हाँ जी, उनके साथ में खड़ा है वो गलत है, ये तो देशद्रोही वाली बात होगी उनके साथ में। तो फिर जो अरविंद केजरीवाल जी ने अभी फ्री का लॉलीपॉप बांटा है, क्या ये काम नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, ये बिल्कुल भी नहीं करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये वोट हासिल करने की राजनीति है। फ्री कुछ नहीं है, फ्री कुछ नहीं चाहिए हमारे दिल्ली वालों को, कुछ फ्री नहीं चाहिए। आप उधर चले, इधर नहीं। मैम जी, ये जो केजरीवाल कर रहा है सब कुछ लालच दे रहा है जनता का, और ये जो दे रहा है फिर वापस वो ले लेगा। हारने के बाद या हारेगा तो भी ले लेगा, जीतेगा भी तो ले लेगा जनता से। तो जनता के इसमें हमारे कोई फायदा नहीं है कि हम उनकी चीज खा के फिर अपने पेट से हम
उनके उगले। कहाँ से आप? हम श्रीनगर से है, कश्मीर से। अभी आप दिल्ली घूमने आए हैं? हम दिल्ली घूमने आए हैं। क्या लगता है आपको कि दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार आएगी? दिल्ली में लगता है सब, मैंने सर्वे किया है, लोगों से पूछा है यहाँ पर क्या चल रहा है, तो सब ने बोला है कि हमें केजरीवाल आना चाहिए। केजरीवाल? हाँ बिल्कुल। उनके काम आपको पसंद आ रहे हैं? उनके काम, हर एक काम हमें पसंद है, बिल्कुल। क्योंकि 4 रुपए में पावर का यूनिट यहाँ पे था, वो भी 14 रुपए बन गया है आज मोदी सरकार की वजह से, तो इसलिए यहाँ पे आ जाना चाहिए यही केजरीवाल। लेकिन 200 यूनिट फ्री तो दिया अरविंद केजरीवाल, वो दिया है। हाँ, उसने दिया है, लेकिन केजरीवाल द बेस्ट पर्सन ऑफ दिल्ली। अच्छा जी, उन्होंने क्या क्या काम किया आपको कुछ पता है? काम तो मैंने तो सर्वे किया, लोगों से पूछा है कि लोगों ने बताया कि हमें उसने बहुत सी सुविधाएं दी है, अगर कोई इनकेस पेशेंट हो जाएगा, मतलब बाय रोड चाहे भी वो किसी भी कंट्री का हो, तो उसको फ्री में ले जाएगा, कोई भी ऑटो बस रिक्शा उनके अकाउंट में 2500 रुपये डाले जाएंगे। ये बस वाले ने भी, हमने बस वालों से भी कंफर्म किया है, हर एक इन्होंने बताया। इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों? आने के लिए तो मोदी आना चाहिए, और इसलिए कि अगर हमें अपने देश के बारे में सोचना है तो मोदी को लाना है। लेकिन कुछ लोग तो फ्री के योजना से शायद आम आदमी पार्टी को चाहते हैं। देखो कहावत है ना कि लोभ पाप का कारण है, और जहाँ लोभ होगा वहाँ पाप होगा। तो हर इंसान अभी लोभ में फंसा हुआ है, बिजली पानी फ्री का मिल रहा है, तो जहाँ लोभ है वहाँ पाप होगा। लोभ के मध्य में हम वोट दे देंगे केजरीवाल को। जी, आप क्या चाहते हैं इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आए? नहीं आने तो देखो, जो इस टाइम देश के कोई भी नागरिक से आप सवाल करो तो यही कहेंगे देश के हित में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, तो आना भी चाहिए उनको, हम लोग भी मोदी जी को। इसको एक बात और कह सकते हैं, पहले चलता था इलेक्शन के समय में घूस देना, मैंने आपको खोपचे से 5000 रुपये 10000 रुपये दिया मुझे वोट दे देना, लेकिन इस बार क्या हो गया कि नगद नहीं दे करके बिजली पानी फ्री वो वोट ले रहे हैं, बस ये कहानी है और कुछ नहीं है। अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम तो मोदी को देखना चाहते हैं, मोदी को देखना चाहते हैं। जो अरविंद केजरीवाल जी ने अभी काम किया उससे खुश नहीं है? खुश तो है, लेकिन फ्री वाला बीमारी नहीं चाहिए ना। लेकिन कुछ लोग शायद फ्री को देख कर अरविंद केजरीवाल जी को पसंद कर रहे हैं, जिनको हराम का चाहिए वो पसंद करेंगे। अच्छा सर, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किए पसंद नहीं आया आपको? उसमें पसंद नापसंद की बात नहीं है मैडम, फ्री का आदत नहीं डालना चाहिए किसी को, फ्री का आदत जो है बिल्कुल बेकार है, लेकिन जो मोदी जी कर रहे हैं वो सबसे अच्छा है। उनके जो शाहीन बाग में गोली चली है, पता होगा आपको, वो आम आदमी पार्टी से ही थे, आप इस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं? हम भी यही सुन रहे हैं मैडम, इस पे इन्वेस्टिगेशन चालू है, आम आदमी के ही वो कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, और समाचार के माध्यम से वही जानकारी हमें भी मिली है, अगर ऐसा है तो बहुत गलत है। सर, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार और क्यों? मैडम मैं तो बीजेपी की सरकार चाहता हूँ, इसलिए चाहता हूँ क्योंकि हम लोग जो है देश के हित में काम कर ले जाते हैं, और केजरीवाल जो है देशद्रोही के साथ खड़े हैं, शाहीन बाग वालों के साथ खड़े हैं। जी, अगर जैसे बीजेपी की सरकार आती है दिल्ली में, तो सबसे पहले बीजेपी सरकार को किस काम पे ध्यान देना चाहिए दिल्ली के लिए? बीजेपी सरकार अगर आती है तो सबसे पहले जो है अपने दिल्ली डेवलप के लिए, इसके बाद बेरोजगारी के लिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, ये सब पे ध्यान देना चाहिए जो है दिल्ली वालों के लिए, ना कि ये फ्री वाली चीज़ पे कोई मतलब नहीं रखता, फ्री वाली चीज़ पे मतलब सारे दिल्ली के लोग कर्जे में डूबेंगे, ना कि दिल्ली का डेवलप नहीं होगा। सर, इस बार आप दिल्ली में किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे? नरेंद्र मोदी जी। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में गरीब लड़कियां उनकी शादी के लिए 50,000 देने का दावा किया है, और गरीब छात्रों को स्कूटी एवं साइकिल देने का दावा किया है, क्या लगता है आपको कि इस दावा को पूरा कर पाएंगे वो? हाँ बिल्कुल, वो जो कहते हैं वो करते हैं, उन्होंने अभी तक जो जो कहा अपने घोषणा पत्र में सब चीज़ को पूरा किया है, और अगर बोले हैं तो करेंगे, जरूर करेंगे। इस बार दिल्ली में आप किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे? केजरीवाल। केजरीवाल की? उन्होंने क्या काम किए कि उनको दोबारा दिल्ली में आना चाहिए? स्कूल में बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, जाके हॉस्पिटल देखो क्या कर बढ़िया कर रहा है, बिजली पानी फ्री कर रखा है, बसों में व्यवस्था कर रखी है, और इसके वाले बहुत अच्छा काम किया केजरीवाल में, इसके पहले किसी सरकार ने नहीं किया ये सब। अच्छा। हाँ जी, जो आम आदमी के लिए जो किया है ना केजरीवाल ने किया, बाकी इससे पहले कोई नहीं किया। अगर दोबारा अरविंद केजरीवाल जी आते हैं तो सबसे पहले उनको किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि दिल्ली के लिए सबसे पहले करें? बेरोजगारी पे सबसे पहले, बेरोजगारी पे बिल्कुल। अच्छा सर, आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? केजरीवाल। केजरीवाल, उन्होंने जो अभी फ्री करा है, क्या आप उसका जो मौका उठा पा रहे हैं?
हाँ जरूर। बिजली फ्री है आपके यहाँ? फ्री। पानी साफ आता है? हाँ ठीक है। ठीक आता है। अगर केजरीवाल जी दोबारा आते हैं तो सबसे पहले उन्हें क्या काम करना चाहिए? सबसे पहले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बसें वगैरह फ्री करते, जो लेडीज जो जॉब वॉब करती है इनके लिए फ्री करें, इनके लिए फ्री नहीं। जो बसेस फ्री है जो महिलाएं उनके लिए, स्टूडेंट के लिए फ्री करना चाहिए, जो जरा बच्चों के लिए फ्री करना चाहिए, बच्चों के लिए फ्री करना चाहिए और किसी के लिए? बच्चों को तो है, स्कूल के बच्चों के लिए है। हाँ बिल्कुल है, स्कूल के बच्चों को है भाई, किसी बार खुद बोला है। नहीं है भाई, महिलाएं बस महिलाएं के लिए है। मैं स्टूडेंट कह रहा हूं, स्टूडेंट जो बच्चे हैं ना स्कूल के उनके लिए, सरकारी स्कूल के लिए वैसे फ्री है। इस बार आप दिल्ली में किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे और क्यों? अभी तो हमने तो ये सोचा नहीं कि इसकी सरकार देखना पसंद करेंगे, बाकी क्या चाहते हैं कि किसकी सरकार आए, कौन अच्छा काम कर पाएगा जी? चाहते हो आप? मैं जो अभी तक बिल्कुल नहीं सोचा, आप बताओ संजय। मैं चाहूंगा जी बीजेपी की सरकार आए। क्यों? बिकॉज़ आई लव मोदी। अभी जो अरविंद केजरीवाल जी ने कि बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया और महिलाओं के लिए बसेस फ्री कर दी, क्या ये अच्छा काम नहीं किया उन्होंने? अब लोगों के बारे में मुझे कोई मालूम नहीं, आई एम क्वाइट कम्फर्टेबल, आई डोंट वॉन्ट दिस काइंड ऑफ फ्री आइटम्स। विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम इनकम टैक्स पे, एंड सपोज जिनको फ्री मिल रही है तो एंड ऑफ द डे जो टैक्स पेयर है वो दे तो वो रहा है। व्हाई यू सेड के केजरीवाल जी दे रहे हैं, हाउ कम? क्या चाहते हैं इस बार दिल्ली में किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे आप? केजरीवाल की ठीक है, जो उन्होंने काम किया है उससे खुश हैं आप? हाँ खुश हैं, बढ़िया है। अगर दोबारा अरविंद केजरीवाल जी आते हैं तो सबसे पहले उन्हें दिल्ली के लिए क्या काम करना चाहिए? क्या काम करना चाहिए? यहाँ की जो पटरी हटी है वो लगवानी चाहिए, सारी पटरी हटी हुई है, केजरीवाल जी के हाथ में सारी MCD है यहाँ पे, वो कुछ कर ही नहीं रहे। अच्छा हाँ, जो पानी बिजली महिलाओं के लिए बस फ्री है, सब फ्री किया, उससे खुश क्या करेगा मैडम? पानी बिजली क्या करेगा? पानी बिजली तो तब करेगा ना जब लोगों का बिजनेस चलेगा। जब बिजनेस नहीं चलेगा तो पानी बिजली का क्या करोगे? कोई फायदा नहीं पानी बिजली का। हमें तो सबसे पहले यहाँ की जो सारी पटरी हटाई है, यहाँ पे जो 200 लोग हटाया गया है जिनका काम खत्म हो रहा है, वो पानी बिजली से थोड़ी ना उनका पेट भर जाएगा, उन्हें तो रोटी चाहिए ना। सारे लोग यहाँ से हटा दिए, MCD सारी उनके हाथ में है, उनको कहो पटरी लगवाएं, हमारी एक ग्रेवांस कमेटी है वो बनवाएं, हमारी हमारी पटरी लग जाएगी। मोदी सरकार क्यों? देश का इतना अच्छा काम करा उन्होंने, इसीलिए हम उसके चाहते हैं। अभी जो अरविंद केजरीवाल जी फ्री फ्री का बांट रहे हैं सब, इससे खुश नहीं है? बाद में वसूल करेंगे वो, अच्छा थोड़ी ना। क्या चाहते हैं इस बार दिल्ली में किसकी सरकार है? दिल्ली में तो हो सकता है केजरीवाल का भी हो सकता है, ठीक है जी, लेकिन आप चाहते क्या है कि चाहते हैं? हम तो दोनों हैं, मगर ऐसी बात हमारे दोनों विरोधी पार्टी नहीं है, ठीक है, मगर यूपी में तो सरकार BJP की ही है, अच्छी काम कर रही है, ठीक है। अरविंद केजरीवाल जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? अभी हाँ तो हमने देखा नहीं, कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, अच्छे वो भी है, ऐसी बात नहीं है। सर आप क्या चाहते हैं किसकी सरकार है? BJP। उन्होंने जो अरविंद केजरीवाल जी ने काम किए सही काम नहीं किए? गलत भी कर रहे हैं, सही भी कर रहे हैं, दोनों चीज़ें। अच्छा,